हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्पना वाइब। आज आप लोग मेरे साथ चलिए अल्मोड़ा। अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक पर्वतीय इलाका है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अल्मोड़ा शहर की पल्टन बाज़ार में स्थित 7 प्राचीन मंदिर, जो लगभग 1 किलोमीटर की एरिया के अंदर ही 7 मंदिर हैं और बहुत मान्यता वाले मंदिर हैं। चलो भगवान के दर्शन को। ये पल्टन बाज़ार में है, कैंट एरिया में को है। यह रत्नेश्वर मंदिर, ये शिवजी का प्राचीन मंदिर है। ये कैंट एरिया में है। इसके सामने से इतना अच्छा हिमालय पर्वत दिखता है। और ये देखो, ये है मंदिर और ये है शिवलिंग। पूरी शक्ति में ऐसे तांबे का सारा कवर चढ़ा हुआ है। ये है प्राचीन शिवलिंग। और यहाँ पर कोई हम बचपन में को जल चढ़ाने आते थे तो आँखों में शिवलिंग में यही शिवलिंग आता है जब हम आँख बंद करके सोचते हैं। तो ये देखो, ये है मंदिर का पूरा एरिया ये। और इसके बैक साइड में फिर है माता का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर। ये रेड वाला ये हनुमान जी का मंदिर है और अंदर ये है माता का मंदिर। अंदर माता की मूर्ति है। ये देखो, बंदरों की वजह से सब दरवाजे बंद हैं। ये इसके अंदर है माता और ये परिक्रमा करने की जगह। और सामने से बहुत सुंदर हिमालय दिखता है। दूसरा मंदिर है भोलेनाथ जी का मंदिर। ये है, इसे सिद्धिनौला मंदिर भी बोलते हैं। भोलेनाथ जी का मंदिर है। भोलेनाथ इष्ट देव हैं और अपने इष्ट देव को रोड भेड़ चढ़ाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। पूस के महीने तो बहुत सारे लोग रोड भेड़ चढ़ाते हैं। तो ये है भोलेनाथ जी का मंदिर। ये देखो, ये यहाँ भी बंद है, सब बंद कर रखे मंदिर। वही बंदर कारण है, बंदर उनके वजह से सब मंदिर बंद किए हैं। ये है धूणी, ये यहाँ पर को हवन वगैरह होता है। और ये है सिद्धनौला, प्राचीन सिद्धनौला नेचुरल सोर्स से जहाँ पानी आता है। एक समय ये नौला आधे अल्मोड़े की प्यास बुझाता था। पूरे अल्मोड़े में पानी की प्रॉब्लम होती थी, पर ये नौला बिल्कुल पानी से डबाडब भरा रहता था। और अभी भी लोग इसका पानी ले जाते हैं। बहुत शुद्ध मीठा और साफ पानी होता है, वो बिना आरओ के बहुत अच्छा पानी होता है। अभी भी लोग देखो पानी ले जा रहे हैं, पूरा ऊपर तक का भरा हुआ है ये नौला। अब तीसरा मंदिर है बद्रीनाथ धाम। ये बद्रीनाथ भगवान है यहाँ। और ये देखो, ये है अंदर भगवान की मूर्ति और ये सामने काले पत्थर में भगवान बद्रीनाथ। ये है मंदिर के आगे, देखो यहाँ आरती होती है। ये है मंदिर के पंडित जी। आरती के बाद पंडित जी सर पे को एक छत्र सा रखते हैं चांदी का, वो बड़ा अच्छा लगता था। और ये देखिए, ये है सामने हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर है। ये मंदिर के ठीक सामने से बना हुआ है। अब चौथा मंदिर जो है वो है शीतला माता का मंदिर। देखो कैसे जा रहे हैं हम, ऐसे चढ़ कर के बिल्कुल ये सीढ़ियों से नीचे को। और अब इसके अंदर है शीतला माता का मंदिर। ये है मंदिर का एंट्रेंस। ये देखो, ये सामने माता के मंदिर के गेट के ठीक सामने शेर है और ये है अंदर शीतला माता। ये सब प्राचीन मंदिर हैं, मान्यता वाले प्राचीन मंदिर हैं सारे। पांचवा मंदिर है बटुक भैरवनाथ जी का मंदिर। ये यहाँ पे भी भोलेनाथ जी की रोड भीड़ चढ़ती है। ये देखिए, ये मंदिर भी बंद है, वही बंदर। अब छठा मंदिर है, यह है मुरली मनोहर मंदिर। ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। ये दोनों साइड जो छोटे छोटे मंदिर हैं, ये एक में है हनुमान जी और दूसरे में है गणेश जी। और ये है मंदिर, देखो कितना सुंदर प्रांगण है मंदिर का। ये सब प्राचीन मंदिर हैं, बहुत पुराने मंदिर हैं। तो इनका जो डिज़ाइन है सब प्राचीन काल का ही है। कितना खूबसूरत मंदिर है। ये देखो, अंदर हैं राधा कृष्ण। तो मुरली मनोहर का मंदिर है। तो ये देखिए, खूबसूरत से राधा कृष्ण सजे हुए हैं।
ठंड हो रही तो आजकल ठंड के कपड़े पहने हुए हैं राधा कृष्ण ने। ये हैं गणेश जी, गणेश भगवान, और दूसरी ओर हैं ये हनुमान जी। ये हनुमान जी और ये सातवां मंदिर है हनुमान मंदिर। ये हनुमान जी का मंदिर है और ये मुरली मनार और हनुमान मंदिर दोनों आमने सामने है ये मंदिर। ये है मंदिर को जाने वाली सीढ़ी और चढ़ते ही सामने से हिमालय पर्वत दिखता है। और ये देखिए, ये हैं हनुमान जी। प्राचीन हनुमान मंदिर है ये भी। तो ये है हनुमान जी का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। मंगलवार के दिन यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। ये है मंदिर का साफ सुथरा सुंदर सा परिसर, जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है, भजन कीर्तन होते हैं। मल्ली बाजार के सातों मंदिर के दर्शन हमने कर लिए। अब ये है माता काली का मंदिर और ये खजांची मोहल्ला में है और ये पीछे गली की ओर को है। मंदिर तो ये माता काली का बहुत पुराना है, पर इसे नया रूप दिया गया हुआ है। हम जिस मंदिर में भी गए, सब मंदिरों में भगवान ग्रिल के अंदर थे बंदरों के कारण, क्योंकि बंदरों ने बहुत उत्पात करना शुरू किया है। मंदिर के अंदर काली माता प्रतिमा रूप में विराजमान हैं। मेरा ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।